आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे बेस्ड ऑन मोबियस फंक्शन। देखिए थ्योरम प्रूव दैट समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी इज इक्वल टू वन इफ L is equal to 1 and its value is 0 otherwise. Summation of D divides N, mu D ka value 1 aega if समेशन जो सिंबल लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? क्यों यूज करते हैं समेशन? एडिशन के लिए ना। तो d एक फैक्टर लेना है आपको n का, d divides n है तो वो फैक्टर्स आपको काउंट करना है एंड म्यू डी का वैल्यू निकालना है और उसको ऐड करना है, तो समेशन का वैल्यू 1 आएगा अगर n का वैल्यू 1 है तो, और बाकी n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, तो प्रूफ में लिखिए इफ n इज इक्वल टू 1 D divides N, D आपको फाइंड आउट करना है, तो N अगर 1 है तो D कितना होना चाहिए? अगर N 1 है तो D कितना होगा? 1 ही होगा, 1 ही 1 का डिवाइजर है, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो D 1 है, यानी समेशन का यूज नहीं होगा, D का एक ही वैल्यू मिला है, तो d is equal to 1 and mu 1 आप जानते हो 1 होता है, n is equal to 1 के लिए आपका थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो देखिए if n is equal to 1, next line में the only divisor of n is 1, the only divisor of n is 1, therefore समेशन d डिवाइड n म्यू d का वैल्यू आ जाएगा म्यू 1 इज इक्वल टू 1 सो द थ्योरम होल्ड्स। फिर नेक्स्ट लाइन में इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो आपने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा है कोई भी नंबर हो उसको आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो n ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर हो सकता है तो हम लोग उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा सोचकर एक उसका फैक्टराइजेशन का टर्म्स हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए n है 45, तो 45 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज 3 स्क्वायर इंटू 5 बोल सकते हैं, यानी कुछ प्राइम नंबर्स आपको बेस में मिल रहे हैं, प्राइम नंबर्स का कुछ पावर भी मिल सकता है। इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। तो हम लोग n का एक फॉर्मेट एज्यूम कर रहे हैं कि n इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और d उसका डिवाइजर है, तो 45 का एक डिवाइजर बताइए, बहुत सारे डिवाइजर्स आएंगे 45 के, क्या क्या हो सकते हैं?
वन को छोड़ देंगे हम लोग, वन बहुत सिंपल टर्म है इसीलिए, तो 3, 5, 9 एटसेट्रा और भी एक दो मिल जाएंगे 45 इटसेल्फ। सो 3, 5, 9, 9, 3 और 5 तो सिंपल एक ही नंबर से प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अगर 9 है तो उसको 3 स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो d अगर डिवाइजर ऑफ n है तो d को भी आप सम प्राइम नंबर इनटू उसका सम पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल को साथ में करते जाइए तो आपको थ्योरम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इफ n इज ग्रेटर देन 1, लेट n इज इक्वल टू p1 पावर अल्फा 1 इनटू p2 पावर अल्फा 2 इनटू pm पावर अल्फा m। ठीक है, जैसे मैंने बताया 45 को 3 स्क्वायर इनटू 5, तो एग्जांपल है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एग्जांपल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट मान लिए उसी पैटर्न में। एंड d इज इक्वल टू, d भी उसका एक फैक्टर है, ओके d इज अ फैक्टर ऑफ n, तो d का भी कुछ प्रेजेंटेशन होगा, तो d को हम लोग लिख सकते हैं p1 पावर बीटा 1, p2 पावर बीटा 2 एंड सो ऑन pm पावर बीटा n। आर द कैनोनिकल, एक साथ लिखना है, एक वर्ड यूज करते हैं चलिए, कैनोनिकल फैक्टराइजेशन ऑफ एन एंड डी, कैनोनिकल फैक्टराइजेशन ऑफ एन एंड डी। ध्यान से इसको समझिए, जैसा मैंने बताया n अगर हम लोग लेते हैं 45, तो 45 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इनटू 5। ठीक है, तो p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2 हो गया। d मान लेते हैं d इज 9 या 3, कोई भी एक ले सकते हो, तो दिस इंप्लाइज 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 to the power 1 into 5 to the power 0। हम लोग बेस सेम ले सकते हैं, जो जो n में बेस मिला है यानी प्राइम वैल्यूज मिला है p1 p2 pm, वो आप d में भी यूज कर सकते हो। अगर वो टर्म मौजूद नहीं है तो उसमें हम लोग पावर जीरो लगा देंगे, वो टर्म मौजूद है तो आपका पावर लिख लिए जितना बचेगा। अब ध्यान से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 का पावर 2 मिला है एंड 5 का पावर 1 मिला है, यहाँ पे 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 0, दैट मींस बीटा में आप कंडीशन बता सकते हो, बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, उस एग्जांपल को ध्यान से ऑब्जर्व करके बताइए। जीरो हो सकता है, यस और नो, जीरो हो सकता है ना, अभी मैंने दिखाया 5 to the power 0 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जो बीटा आई है वो जीरो से स्टार्ट करके कहां तक लाई कर सकता है, सोचिए थोड़ा सा और, दिस इक्वल टू व्हाट, बीटा आई मतलब सारा बीटा इसका वैल्यू, दिस इक्वल टू व्हाट क्या होना चाहिए, दिस इक्वल टू अल्फा आई हो सकता है, जैसे अगर लोग डी अगर 9 लेते तो डी
9 लेते तो आपका क्या होता, 9 टाइम लेते हैं 3 स्क्वायर इनटू 5 टू द पावर 0, यानी अल्फा आई के बराबर भी हो सकता है बीटा आई, और आप देख रहे हैं जो टर्म नहीं है उसके लिए हम लोग 0 यूज कर रहे हैं, है ना। तो 0 से लेकर अल्फा आई तक बिलोंग कर सकता है बीटा आई का वैल्यू, वेयर आई कहां से कहां कर लिया है हमने, 1 से लेकर m तक आई का वैल्यू है 1 to ... अप टू m। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर n इतना है d इतना है तो समेशन d डिवाइड n म्यू d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव, तो
a into b को हम लोग b into a ले सकते हैं. तो प्रोडक्ट के सिंबल को हमने आउटसाइड लिख दिया एंड समेशन के सिंबल को इनसाइड. अब बीटा आई का वैल्यू 0 से लेकर अल्फा आई तक आपको पुट करना है. तो अगर बीटा आई का वैल्यू 0 होता है तो म्यू पी आई पावर 0 कितना हो जाएगा? म्यू बीटा आई का वैल्यू चेंज करते जाइए 1 से लेकर अल्फा आई तक. तो पी आई का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे. पहला वैल्यू क्या मिलेगा? Pi power 0 is 1. Then next value. ठीक है, Pi power 1. Then like a square and so on. Last term will be pi power alpha. सोच के बताइए, what will be the value of mu pi? Mu pi का value कितना होगा? पी कैसा लिया है आपने? प्राइम है ना, तो म्यू टू मान लीजिए एक प्राइम टू है, तो म्यू टू का वैल्यू कितना होता है? यस, इट इज माइनस वन. एंड पी आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? म्यू पी आई स्क्वायर मीन्स म्यू टू स्क्वायर मीन्स म्यू फोर. एग्जाम्पल डालिए, समझ में आता जाएगा. मान लीजिए म्यू टू स्क्वायर है तो म्यू फोर का वैल्यू कितना निकाला था आपने? जीरो. पी आई क्यूब यानी टू क्यूब म्यू एट कितना आया था? जीरो. यानी बाकी रेस्ट ऑल द टर्म्स आर जीरो क्योंकि वो स्क्वायर फैक्टर को कंटेन कर रहे हैं. तो वन एंड माइनस वन इज अगेन व्हाट? ये भी कट गया, जीरो हो गया. तो ये आंसर है जीरो. क्लियर है? नेक्स्ट इसी टाइप का थ्योरम है, आप ट्राई कीजिएगा इसको प्रूफ करने का. थोड़ा स्लाइड चेंज है, प्रूफ करके देखिए. नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी. अगर आप समझ के बना रहे हो, जैसा ये थ्योरम मैंने प्रूफ किया है सिमिलर वे में है, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, वहां मॉड लगा दिया गया है. तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा सोच के आपको प्रूफ करना. Summation b divided is equal to 2 to the power m, where m is greater than 1 and m is number of distinct primes
distinct primes in the canonical factorization of n. अभी किए हो तो अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ट्राई टू प्रूव दिस. अभी कर लेते हैं. नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सेम थ्योरम है. स्टार्टिंग तक आपका सेम है. जहां तक आपने लिया है समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी इज इक्वल टू, वहां पे जस्ट आपको मॉड म्यू डी लेना है. लेट एन इज इक्वल टू पी वन पावर अल्फा वन इंटू पी टू पावर अल्फा टू इंटू पी एन पावर अल्फा एम ले लेंगे. डी का वैल्यू भी पी वन पावर बीटा वन इंटू पी टू पावर बीटा टू इंटू पी एम पावर बीटा एम आर द कैनोनिकल फैक्टराइजेशन ऑफ एन एंड डी. ठीक है. फिर आपने जो लिया है वेयर बीटा आई इज लाइज बिटवीन जीरो टू अल्फा आई, आई का वैल्यू जीरो से एम तक है. देन समेशन डी डिवाइड्स एन मॉड म्यू डी निकालना है. ट्राई कीजिए क्या आ रहा है इसका वैल्यू. क्या होना चाहिए. यहाँ कुछ वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट लेट से स्टार्ट करेंगे, है ना. थ्योरम में कभी तो नहीं लिखा है एन वन होगा तो वैल्यू वन आएगा, एन ये होगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगा. तो इस थ्योरम में हम लोग डायरेक्ट लेट से स्टार्ट करेंगे. लेट एन इज इक्वल टू पी वन पावर अल्फा वन इंटू पी टू पावर अल्फा टू. वहां से सेम अभी जो थ्योरम किया है उसको करते जाइए. जस्ट म्यू डी लिखा है वहां पे आपको मॉड लगाना है. देखिए क्या चेंज आ रहा है. इंटरचेंज कीजिए वो वाला काम भी कर लीजिए.
नेक्स्ट स्टेप में ये लिखने के बाद हमने प्रोडक्ट एंड समेशन साइन को इंटरचेंज किया हुआ था, वो वाला स्टेप भी लिखिए, तो प्रोडक्ट आपका इस साइड में आ जाएगा एंड समेशन इस साइड। तो बीटा आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, क्या मिल गया? बीटा ये पहला वैल्यू है, बस ये चेंज आएगा, आपको मॉड भी यूज करना है, ठीक है? देन नेक्स्ट प्लस मॉड ऑफ न्यू pi प्लस मॉड ऑफ म्यू pi स्क्वायर प्लस ऑन मॉड ऑफ म्यू pi पावर अल्फा, बस ये चेंज। तो यहाँ पे भी स्लाइड चेंज आएगा, mu 1 is 1, 1 का mod तो 1 ही होगा, plus next step में आपने mu pi में mod लगाया हुआ है, that means mod of minus 1 and rest terms are all 0, तो value कितना हो गया यहाँ पे? कितना हो गया बताइए? आपको दिया हुआ है, इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर m, थ्योरम में लिखा हुआ है इसका वैल्यू 2 टू द पावर m होगा, बता सकते हैं क्यों? प्रोडक्ट आपका लगा हुआ है एंड प्रोडक्ट में i का वैल्यू 1 से लेकर m तक रखना है, लेकिन अंदर तो i नहीं है आपके पास, टर्म को हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आया है दैट इज योर टर्म, उसका प्रोडक्ट आपको आई इज इक्वल टू 1 टू एम तक आपको निकालना है, ठीक है? ये भी बहुत सिंपल चीज है, समझना है आपको जस्ट, तो जो भी वैल्यू आया है आपको प्रोडक्ट निकालना है वैल्यू फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एम, तो इसका मतलब होगा आपको निकालना है 2 × 2 × 2 अप टू एम टाइम्स, this is equal to 2 to the power m. समझ में आया? जो भी टर्म आपको मिल रहा है उसका प्रोडक्ट आपको निकालना है वैरी फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू m, तो 1 से लेकर m तक हम लोग 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 2 टू द पावर m, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? कंप्लीट हो गया सबका थ्योरम ये वाला? बोर्ड से सबने उतार लिया है ना? ओके।
तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ, तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके।